नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, और ऐसी मेडिसिन जिसके बिना कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर एक दिन भी पेशेंट्स नहीं देख सकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नक्स वोमिका की। तो आज इस वीडियो में हम नक्स वोमिका के बारे में बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे से कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या क्लिनिक पे आना चाहते हैं या अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो कैसे पूछ सकते हैं। चलिए वापस हम आते हैं नक्स वोमिका पे। दोस्तों, सबसे पहले नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन क्या होती है, होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन एक ही जगह काम आती। होम्योपैथी के अंदर एक ही मेडिसिन बहुत सी बीमारियों को कवर करती है, और मोस्टली आप रूटीन के अंदर देखेंगे कि एक मेडिसिन जो होती है वो कम से कम 8 से 10 बीमारियों के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है, जहाँ की मतलब इंडिकेटेड मेडिसिन होती है वो। और कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जिनको आप कह सकते हो कि मतलब 20 बीमारियों में काम आ रही है, 30 बीमारियों में काम आ रही है। तो दोस्तों, ऐसी मेडिसिन जो एक साथ शरीर के बहुत से अंगों के, या आप ऐसे समझें कि ऐसी मेडिसिन जो शरीर में बहुत सी बीमारियों में एक साथ रिजल्ट देती है, उनको बोलते हैं पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। पॉली मतलब बहुत सारी, और क्रेस्ट यानी काम करने वाली। तो ऐसी मेडिसिन जो शरीर में बहुत सी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है, उन मेडिसिन को पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं, और नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नक्स वोमिका पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर बात करेंगे पेट की बीमारियां, कि अगर कोई आदमी है उसको पेट की बीमारियां हैं तो उसके अंदर नक्स वोमिका कौन कौन सी डिजीजेज है जिनको कि वो ठीक करती है। इसके लिए मेरा एक डिटेल के अंदर अगर आप नक्स वोमिका को समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने नक्स वोमिका ओवरऑल जो पेशेंट होता है उसके ऊपर मैंने मतलब डिस्क्राइब किया है, उसको आप देखें। और यहाँ हम पेट से संबंधित बीमारियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नक्स वोमिका पेशेंट कैसा दिखता है। देखिए, नक्स वोमिका का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। मतलब पेशेंट आप देखते हैं रूटीन के अंदर तीन तरह का आदमी होते हैं। एक तो होते हैं कि काफ़ी दुबले पतले आदमी होते हैं जो हम देखते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी मोटे ताजे होते हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा ओबेज या मोटापा होता है, और कुछ लोग होते हैं जो मीडियम होते हैं। लेकिन नक्स वोमिका का जो पेशेंट है ये यूजुअली या अक्सर आप कहेंगे कि एक दुबला पतला पेशेंट होगा, जिसको आप यही बोलोगे कि ये दुबला पतला पेशेंट है। ऐसा पेशेंट जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, यानी एज जो है मान लीजिए उनको 30 साल के हैं, लेकिन अगर आप उनके चेहरे को देखेंगे, उनके फिजिक को देखेंगे, तो हो सकता है आपको देखने में 40 साल के लगे। लेकिन ऐसा उनके साथ क्यों होता है, वो समय से पहले बूढ़े क्यों दिखते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम उनके बात करें मेंटल सिम्टम्स की, मानसिक रूप से जो नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं कैसे होते हैं, उनकी सोच विचार क्या होती है। देखिए, कहा गया है कि नक्स वोमिका जो हाईली सिविलाइज्ड जो मॉडर्न पीपल है उनकी एक मेडिसिन है। अब यहाँ इससे क्या मतलब हुआ, आजकल आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो रूटीन में लाइफस्टाइल बन गई है पेशेंट्स, या एक रूटीन हर आदमी की लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग एम्बिशियस ज़्यादा हो गए हैं, हर टाइम उनको मतलब जो है अचीवमेंट्स का है कि मुझे हमेशा बेस्ट करना है। मान लीजिए कोई ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो ऑफिस के अंदर मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, कोई स्टूडेंट है तो उसको कि मुझे टॉप करना है, और कोई जॉब कर रहा है तो मुझे वहाँ बेस्ट करना है, कोई बिजनेस कर रहा है तो मुझे बेस्ट करना है। ऐसे लोग जो हर टाइम कहीं ना कहीं इस तरह के अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, मतलब हर टाइम उनके जो माइंड के अंदर यही थॉट चलता रहेगा कि मैं किस तरह से अपना बेस्ट दे सकूं, अपने एरिया के अंदर टॉप कर सकूं, ऐसे लोगों की बीमारी अगर कोई भी पेट से संबंधित है, और आगे हम बात करेंगे, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्योंकि ये लोग रात दिन मतलब हर टाइम उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता रहेगा, काम काम काम, अपने फिजिकल जो अचीवमेंट्स हैं मतलब सांसारिक जो है उन सारी चीज़ों के पीछे ये भागते रहते हैं। और इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि उनका कोई ना तो सोने का रूटीन होता है, ना कोई उठने का रूटीन होता है। ऐसे लोग क्या होंगे, रूटीन की अगर हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो हम बात करते हैं कि किसी भी आदमी को 10 बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे नहीं तो एटलीस्ट उसको 11 बजे सो जाना चाहिए, फिर कम से कम 6 से 7 घंटे की एक नींद होनी चाहिए, एवरेज 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, और सुबह उसको लगभग 5 बजे उठ जाना चाहिए। उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी, योगा प्राणायाम वगैरह 1 घंटा कम से कम खुद की हेल्थ के लिए देना चाहिए। लेकिन नक्स वोमिका का पेशेंट ऐसा नहीं करता है, वो लेट नाइट तक जगेगा, वो रात में लेट सोएगा, रात में लेट सोएगा, और हो सकता है कि वो कुछ अपना दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, या अपना मोबाइल के ऊपर ही वो बैठ जाएगा, या अपने बिजनेस प्लान्स को लेके बैठ जाएगा, फ्यूचर प्लानिंग्स करने बैठ जाएगा, लेकिन वो नाइट में लेट सोने वाला आदमी होगा, और उसके साथ भी कुछ दूसरी हैबिट्स भी है जो उससे जुड़ी हुई, जो हम आगे हम बात करेंगे, और सुबह लेट उठेगा। यानी ऐसा आदमी जिसका सोने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है, उठने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है, बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो वो करता ही नहीं है, इस तरह का आदमी होता है नक्स वोमिका का पेशेंट। अब उसके अगर हम खाने पीने की बात करें तो दोस्तों, जिस आदमी
आदमी की मेंटेलिटी ऐसी है कि उसको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं है, खाने का रूटीन नहीं है, उठने का रूटीन नहीं है, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स भी कैसे अच्छी हो सकती है? ऐसे लोगों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होगी, ये लोग टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लंच का कोई टाइम नहीं है, डिनर का कोई टाइम नहीं है, और उसके बाद भी जब भी वो खाना खाने बैठेंगे तो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि मैं फ्रूट्स खाऊं, वेजिटेबल्स खाऊं, दही लूं, दूध लूं, मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाऊं, मतलब हेल्दी जो खाना होता है जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ इनका इंटरेस्ट कम होता है। उसके बजाय इनका इंटरेस्ट होगा स्पाइसी फूड के अंदर, मिर्च मसाले ज़्यादा खाएंगे, तीखी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, पैक्ड फूड आइटम्स ज़्यादा खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें ये लोग ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, इसी तरह से चटपटी चीज़ें ये लोग ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। ये लोग जो खाने की चीज़ें होगी उसके अंदर ये घी भी जो है नक्स वोमिका के पेशेंट्स की अक्सर काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग होती है। ऐसा नहीं कि सभी को घी पसंद होगा, बट बहुत से नक्स वोमिका के पेशेंट होंगे जिनको घी खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद होगा, यानी तला भुना चीज़ें ज़्यादा लेने की पसंद करेंगे, ग्रिस्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ उनको कहीं ना कहीं अपच, बदहजमी, इनडाइजेशन ये सारी चीज़ें भी होगी, क्योंकि खाने पीने का रूटीन भी नहीं और खाने पीने के अंदर भी हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। इन सब के साथ में जो नक्स वोमिका का पेशेंट होगा ये क्या करेगा, चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा लेगा, जब ये अपने दिन में ऑफिस में दिन भर में के अंदर तो वहाँ भी अपना जो है दिन भर दिमाग खूब दौड़ाएंगे, उसके बाद बार बार इनको जो है दिमागी थकावट महसूस होगी, शारीरिक थकावट महसूस होगी, उस थकावट को दूर करने के लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बार बार चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और शाम होते होते हो सकता है कि इनको अल्कोहल की आदत हो या बियर लेने की आदत हो, तो अपने दिन भर की थकावट है उसको दूर करने के लिए ये कुछ थोड़ा अल्कोहल यानी शराब ले सकते हैं या बियर भी ले सकते हैं, और अक्सर ये इनकी हैबिट्स के अंदर आ जाता है, रेगुलर लेने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर ट्रैंक्विलाइजर चाहिए होते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा लूँ, थकावट होंगी मैं ये लूँ, जैसे मैंने चाय ली, कॉफ़ी ली, शाम को थक गया हूँ तो अल्कोहल ले रहा हूँ, दिन के अंदर थोड़ा सिगरेट की भी इनकी पीने की इच्छा हो सकती है, कई बार ये लोग तंबाकू, गुटखा या जो मसाला वगैरह कहते हैं उन चीज़ों के लिए भी इनका जो है मतलब थोड़ा झुकाव होता है, क्योंकि ये चीज़ें इनको एज ए टॉनिक लगती है और इनको खाते ही अपने आप को वापस रिफ्रेश फील करते हैं। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि जब इनको भूख लगती है तो भूख भी इनको अक्सर बहुत अच्छी नहीं लगती, ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनकी भूख बहुत अच्छी खुल के नहीं लगेगी, खाना खाएंगे लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी इनकी भूख लगे, और इसलिए और जब कारण भी जैसा मैंने बताया कि जो खाने पीने की हैबिट्स है उसमें भी स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाले की चीज़ें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं किस लिए कि इनको बार बार अच्छा हो, मेंटली इनको एक मतलब ट्रैंक्विलाइजर चाहिए, स्टिमुलेंट चाहिए जिससे अपना आपको अलर्ट फील करें। इसी तरह से ये लोग कई बार कई हेल्थ सप्लीमेंट भी लेने लगते हैं कि हाँ ये तो मैंने मेंटल सप्लीमेंट लिया कि थकावट है, चाय ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, शाम होते होते अल्कोहल ले लिया, लेकिन कई बार इनको शरीर में भी थकावट और सुस्ती बनी रहती है क्योंकि ना खाने पीने का रूटीन सही है ना सोने का रूटीन, तो उसके लिए भी ये लोग क्या करेंगे कई बार कई तरह के टॉनिक लेने लगेंगे कि मेरा हाजमा खराब है तो मैं कुछ डाइजेशन करने वाले कुछ कैप्सूल खा लेता हूँ, कुछ ताकत का कैप्सूल खा लेता हूँ, कोई एड देख लिया उसका देख के कैप्सूल खा लिया, कभी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता, भोजन पाचन हो जाए, कुछ अच्छी तरह भूख लगे ऐसा मुझे टॉनिक दे दीजिए, कई बार मेडिकल स्टोर पे जाएंगे अरे मुझे भैया कुछ एनर्जी वाला कुछ बढ़िया टॉनिक दे दीजिए, इस तरह के टॉनिक और सप्लीमेंट्स भी ये लेते हैं क्योंकि इनको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल एनर्जी के लिए। दोस्तों इन सारी हैबिट्स के कारण नेचुरली इनको इनडाइजेशन रहेगा, बदहजमी रहेगा, और इसके लोगों के साथ अक्सर क्या होता है कि जब भी ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के लगभग एक दो घंटे बाद में भी क्या होता है कि इनका जो पेट होता है उसमें इनको भारीपन फील महसूस होगा, पेट के अंदर ऐसा लगेगा कुछ वेट आ गया है, कुछ पेट में कुछ भार पड़ा है, फुला हुआ महसूस होगा, और उसमें खास करके इनको ऐसा लगेगा कि पेट में इनके जैसे हवा भर गई हो, पेट के अंदर टोटल हवा भर गई है, मतलब डिसकम्फर्टेबल हो जाएंगे, इनडाइजेशन महसूस होगा, और ये जो दर्द होता है इनके जो हवा का ये दर्द इनको अक्सर हर्ट रीजन के अंदर यानी सीने में जिस तरह हर्ट होता है इस साइड के अंदर ऊपर आके और रिब्स के पास में इनकी पसलियों के ऊपर भी ऊपर आके ये प्रेशर सा क्रिएट करता है जिसके कारण इनको कई बार ये लगने लगता है कि कहीं ये हर्ट का पेन तो नहीं है, और अक्सर ये डॉक्टर के पास जाते हैं, कई तरह के टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को हर्ट की बीमारी तो नहीं हुई है, मुझे चेक कीजिए सीने में दर्द होता है या भारीपन रहता है, डॉक्टर इनके टेस्ट करते हैं और कई बार ECG और बाकी चीज़ें भी करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक, लास्ट में इनको कहते हैं चिंता मत कीजिए गैस्ट्रिक है, पेट जो है आपकी पेट का गैस्ट्रिक का दर्द है या हर्ट का रीज़न नहीं, ऐसा इन लोगों के साथ होता है। कई बार दोस्तों ये जो नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं इनके साथ में क्या होता है कि जब ये खाना खाते हैं तो उसके बाद में भी इनको खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि खाना इन्होंने हेल्दी फूड नहीं खाया है और दिन भर चाय कॉफ़ी वगैरह भी ले रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, नाइट में अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो जो खा रहे हैं वो भी इनको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और जैसे ये खाना खाते हैं जैसे मैंने बताया पेट में भारीपन रहेगा,
हवा भरी रहेगी। इन सब के साथ क्या होगा कि जैसे ही खाना खाएंगे इनको एक फीलिंग आएगी, कई बार ऐसा नहीं कि सबके साथ पर बहुत से लोगों के साथ एक सिम्टम ये भी देखने को मिलेगा कि इन लोगों को ये लगेगा कि अगर मैं वॉमिट कर दूँ, अगर मुझे उल्टी हो जाए, मैंने जो खाया है अगर मैं वापस उसको वॉमिट कर देता हूँ, मैं उल्टी कर देता हूँ, तो शायद मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ और मेरे को पेट में आराम मिल जाए, मुझे सुकून मिलेगा। अब इसके लिए भी क्या होता है कि इनकी फीलिंग होती है ये कि हाँ मुझे वॉमिट आएगी, बट वॉमिट इनको आती नहीं है। समझने वाली बात ये है कि इनकी वॉमिटिंग सेंसेशन है बट इनको वॉमिट होगा नहीं, उसके लिए ये फोर्सफुली वॉमिट करेंगे, ये वॉमिट इंड्यूस करेंगे, ये मतलब अपना मुंह में जो है अंगुली वगैरह डाल के वॉमिट इंड्यूस करेंगे, उसको वॉमिट को लाएंगे। और जब ये वॉमिट कर लेते हैं, इनकी उल्टी आ जाती है, इनके पेट में खाया पिया वापस बाहर आ गया, उसके बाद ये अपने आप को वापस कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। दोस्तों ये सिम्टम्स हैं नक्स वोमिका के पेशेंट के पेट के। इसके इनके लिए एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, ये कहा गया है कि इफ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी बेटर, यानी कि अगर मैं उल्टी कर देता हूँ, मैं वॉमिट कर देता हूँ तो मैं बेटर हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगने लग जाएगा। ये बुक्स के अंदर इनके पेशेंट्स के लिए एक लाइन लिखी हुई होती है। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें होगी तो नक्स वोमिका के पेशेंट्स को क्या होगा, डकारें भी आएगी, इंडाइजेशन है तो, और ये डकार जो होगी उसके अंदर खट्टापन होगा, उनके मुंह के अंदर भी इनको खट्टापन, एक एसिडिटी सा इस तरह का महसूस होगा और मुंह में हर टाइम ये खट्टापन बना रहता है। और नक्स वोमिका के पेशेंट की एक बात और कि जब ये पेशेंट खाना खाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि अलर्ट फील करेगा, अक्सर नक्स वोमिका पेशेंट जो है खाना खाते ही एक बार उसको थोड़ा नींद आएगी, उसको सेडेशन सा महसूस होगा। रात को भी मैंने बताया कि ये लेट खाना खाएगा, खाना खाने से पहले कई तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह लेगा, तो जब ये सारी चीज़ें लेगा तो उसके बाद नेचुरली तुरंत वो सोने को जाएगा, उसको नींद आने लगेगी। इसी तरह से दोपहर में भी जब ये खाना खाएगा तो खाना खाते ही एक बार इसको मतलब थोड़ा नींद का सा इच्छा होगी, इसकी इच्छा होगी कि मैं थोड़ा एक बार सो जाता हूँ। और अक्सर ये लोग रात में जल्दी जग जाते हैं और बीच में एक बार इनकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, फिर इनकी नींद थोड़ा खराब होती है, इनको दूसरे विचार आने लगते हैं अपने बिजनेस और इन सारी चीज़ों के भी। ये सिम्टम होते हैं दोस्तों नक्स वोमिका के पेशेंट्स के। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें होगी, पेट इतना खराब है, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे आदमी को मतलब पेट कैसे प्रॉपरली साफ हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको नेचुरली आप समझ सकते हैं कि कब्ज रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। सॉरी, जो नक्स वोमिका का पेशेंट है दोस्तों, इसका कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का भी एक पर्टिकुलर सिम्टम है कि ऐसा नहीं है कि नक्स वोमिका के पेशेंट का पेट साफ नहीं होगा, कि उस पेशेंट को दो दिन तीन दिन तक स्टूल नहीं आ रहा है, मोशन नहीं आ रहा, मलत्याग नहीं करने जा रहा, ऐसा नहीं होता। इसके कब्ज की एक खासियत है, अक्सर आपने कई लोगों से सुना होगा कि साहब मैं दिन में दो बार मलत्याग करने जाता हूँ, स्टूल के लिए जाता हूँ, मैं दिन में तीन बार फ्रेश होने जाता हूँ, चार बार जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ जाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर मलत्याग करने जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं मलत्याग करने जाता हूँ, शाम के टाइम में वापस मलत्याग करने जाता हूँ। दोस्तों ये है कब्ज। कब्ज यानी जब आपका पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता। कब्ज का मतलब ये नहीं है कि तीन चार दिन तक स्टूल नहीं गए, ये भी एक तरह का कब्ज है कि जिसमें एक बार में प्रॉपरली आपका पेट साफ नहीं होता। तो नक्स वोमिका के पेशेंट को क्या होगा कि वो कुछ भी खाएगा, पिएगा, बैठेगा, दिन में बार बार ऐसी फीलिंग होगी, एक सेंसेशन आएगा कि अरे मेरे पेट में थोड़ा प्रेशर सा, जो हम बोलते हैं रूटीन की भाषा में, कि एक प्रेशर सा फील हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाके एक बार जो है बैठूं और मेरा पेट साफ कर लूं। वो जाएगा, बैठेगा, उसका पेट साफ भी होगा, और जैसे ही पेट साफ होगा अगेन वो बेटर फील करेगा, कंफर्टेबल फील कि हाँ अब मुझे अच्छा है, और वो वापस आके अपने काम में लगेगा, जो भी करो। थोड़ी देर बाद वापस उसके साथ यही होगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं मेरा पेट प्रॉपरली साफ नहीं हुआ था, शायद मुझे वापस जाके पेट साफ करने का, इस तरह का उसको दिन में दो बार तीन बार या चार बार करना पड़ सकता है। इस तरह के कब्ज का जो है मेडिसिन है नक्स वोमिका। दोस्तों इसी तरह से नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसको कई बार दस्त भी होने लगते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कब्ज, दस्त भी होगा, लेकिन दस्त के अंदर भी क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि उसको एक बार में पेट साफ हो गया, जो दस्त होगा उसके अंदर भी मतलब उसके अंदर थोड़ा सा पतला दस्त, हम किसको बोलते हैं जो पतला स्टूल आता है, वाटरी मोशंस होते हैं, तो इसको दस्त भी आएगा। और इसके दस्त की खासियत क्या है कि इसको एक मरोड़ उठेगा, पेट में क्रैम्प्स आएगा, कोलिक आएगा, पेट दर्द महसूस होगा, कि ऐसा होगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, दर्द होगा और वो जाएगा फ्रेश होने के लिए, उसका स्टूल आएगा, उसको मल क्या करेगा, उसको बेटर लगेगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे लगता है वापस ना पेट दर्द होगा ना मेरा दस्त होगा, वापस आके बैठेगा अपने काम में बिजी हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस एक मरोड़ उठता है, पेट में क्रैम्प्स होता है, पेट में जो दर्द होते हैं वो कहते हैं पेट में दर्द होगा, और वापस वो पेट साफ करने के लिए जाएगा। दोस्तों इस तरह के अगर दस्त हैं तो उसकी भी मेडिसिन है नक्स वोमिका। दोस्तों इसी तरह से नक्स वोमिका जब इस तरह का बार बार उसको मतलब कब्ज रहने वाला पेशेंट होगा, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो इन सब का रिजल्ट्स ये भी देखने को मिलेगा कि उसको बवासीर यानी पाइल्स हम जिसको कहते हैं वो भी डेवलप होने लगेगा। और अक्सर जो नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं इनको बादी बवासीर ज़्यादा होता है खूनी बवासीर के बजाय। अगर
बहुत से केसेस जैसे होते हैं जहाँ खूनी बवासीर के अंदर भी नक्स वोमिका दी जाती है अगर बाकी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, बट यूजुअली ये बादी बवासीर की एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जैसा मैंने बताया नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन, अगर पूरी मेडिसिन में हम बात करें तो हो सकता है शायद हम 60 मिनट्स यानी एक घंटे तक बात करें, बट यहाँ मैंने आपके लिए कोशिश की है कि जो पेट के सिम्टम है, आजकल पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है और उनके लिए मेरे कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्लिनिक में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उन लोगों में सिंपल नक्स वोमिका देते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में मैं क्यों नहीं आपके साथ नक्स वोमिका मेडिसिन को ही शेयर कर लूं, जिससे आप समझ सकें कि इसके क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है और क्या कौन सी गलत आदतें हैं खाने में, पीने में, सोने में, कहीं ना कहीं मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी के अंदर रूटीन की लाइफ में कहीं मैं भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहा हूँ, उसको सुधार के ही मैं ठीक हो जाऊँ। सिंपल कुछ नक्स वोमिका की डोज लें, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, खाने पीने की हैबिट्स रेगुलराइज करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें और टाइम से सोएं और बाकी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं और बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि पेट से संबंधित बीमारियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका, तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर मैंने आप कवर करने की कोशिश की। दोस्तों इसी तरह से अगर आप मेरी क्लिनिक पे आना चाहते हैं, पर्सनल अपने कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो मेरी क्लिनिक पे आप आएं, अगर दूर से हैं तो मैं एडवाइस करूंगा अपने नियर बाय में डॉक्टर से जाके आप मिलें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्लिनिक का एड्रेस भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, दूर रहते हैं और आप इसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं कल आपको जो है आपके सवाल का जो एपिसोड आएगा उसके अंदर आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर जो मैंने नक्स वोमिका की पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।